गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं आ गई हूँ कल्याण स्टेशन पे। ये सब कल्याण स्टेशन के नज़ारे हैं, देखिए आप लोग। और पापा लोगों का गांव जाने का प्लान था, थोड़ा सा सब बोर हो गए थे 1 मंथ चेंज के लिए। तो पहले उन लोगों का 28 मार्च का टिकट था, वो कैंसिल किया गया। फिर पापा ने ऑफलाइन ही एक 22 अप्रैल का भी टिकट निकाला था, जो कि आज मैं कैंसिल करने आई हूँ। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही कैंसिल भी होगा। तो ये इस कोरोना का टाइम कम नहीं हो रहा है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही है, तो अभी गांव नहीं जाएंगे वो लोग। तो वही टिकट मैं आज कैंसिल करने के लिए आई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कल्याण स्टेशन के नज़ारे यहाँ पे। और पिछले लॉकडाउन में जैसा सब लोग वापस की लॉकडाउन लगने वाला है, गांव जाने के लिए एकदम रेलवे स्टेशनों और हर जगह भीड़ लगी हुई थी, कुछ वैसा सीन उस तरह का आज मुझे देखने को मिला। सब लोग देखिए बैग वैग अपना लेके एकदम गांव जाने वाली ट्रेन के यहाँ कैसे भी मिल जाए, और तत्काल में टिकट के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वापस से वही नज़ारे मुझे देखने मिले गांव जाने के लिए, जो सब लोग उत्साहित रहते हैं। और फाइनली मैं एंटर कर रही हूँ देखिए यहाँ पे टिकट कैंसिल करने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक पुलिस वाले सर थे जो लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे थे, वो जान देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को भी काफ़ी मदद मिल रही थी इससे। और देखिए टिकट निकालने के लिए बाहर भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और ये वो बिल्डिंग है टिकट वाली। और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी प्रॉपर, क्योंकि स्टेशन पे गाड़ी पार्क करने का बहुत लफड़ा रहता है, गलत जगह पार्क कर दो तो सब गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर मैंने अपनी, यहाँ की पार्किंग है कल्याण स्टेशन की है, यहाँ पे मैंने अपनी एक्टिवा पार्क की थी। और अभी चलिए अपनी एक्टिवा की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ से निकलते निकलते मुझे याद आया पिछले लॉकडाउन का, कि बाप रे कुछ भी बाहर का खाने के लिए मिल नहीं रहा था। वैसे भी हम लोग ने अभी बहुत कम कर दिया है, लेकिन आते आते मुझे पापा की फेवरेट शेगांव की स्पेशल कचौरी का शॉप ओपन दिखा, तो मैंने वहाँ से कचौरियाँ भी ले ली और वो लेकर मैं घर आ गई। वहाँ से आने के बाद कुछ दिन भर में ज़्यादा स्पेशल नहीं था, रेगुलर दिन था। इवनिंग में मैंने और मिस्टर सिंह ने वर्कआउट शुरू किया आज फर्स्ट डे, कि लॉकडाउन लगने ही वाला है तो थोड़ा सा अभी अपना एक रूटीन बनाते हैं फिर से लॉकडाउन का। नीचे वॉक के लिए भी अभी मैंने जाना बंद कर दिया था ड्यू टू कोविड, तो अभी घर पर ही हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है, अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। एक्सरसाइज हो गई है फिनिश, एक्चुअली आज ही हमने चालू किया शाम को ये। एक्चुअली हम लोग डांस क्लास को मिस कर रहे थे, लेकिन आज मैंने रियलाइज किया कि मिस करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत पसीना निकला, बहुत अच्छा लगा, बहुत थक गए एकदम, हालत खराब है। तो आप लोग भी कंटिन्यू करिए, ऐसा कुछ करिए और बताइए कुछ। हेलो
हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 15th of April और महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन चालू हो चुका है। मैंने सोचा कि सबसे पहले मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे दिन में क्या क्या होता है और हमारा दिन आज का कैसा जाता है। और आकर्ष, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने जम के एक्सरसाइज किया, हाफ एन आवर का वर्कआउट सेशन किया है यूट्यूब पे वीडियो लगा के, और 15 मिनट्स का मेडिटेशन किया। बहुत ही रिलैक्सिंग और अच्छा लग रहा है। और अभी चल आपके लिए बनाते हैं बनाना मिल्क शेक, और थोड़ा प्रोटीन भी डालना ज़रूरी है एक्सरसाइज के बाद। तो चलिए बनाना मिल्क शेक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4-5 बनाना ले लिया है और उसमें मिल्क ऐड कर दिया है, और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा हनी, ज़्यादा नहीं, और इस सब को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये देखिए ब्लेंडर में प्रॉपर। और इसके बाद मैंने वो चॉकलेट सिरप लाया था, चॉकलेट सिरप से मैंने ग्लास में देखे सब में चॉकलेट सिरप पहले ही डाल दिया है, ताकि वो अच्छा सा डेकोरेटिव सा निशान सब ग्लास में पहले से ही आ जाए। ये देखिए, ये अपना चॉकलेट सिरप लेके मैंने ग्लास में सब तरफ फैला दिया है। अब इसमें बनाना शेक सब ग्लास में डालेंगे। बहुत ही हेल्दी है ये, और ये इस टाइम पे हम लोगों को कोई ना कोई एक ड्रिंक पीने की आदत अभी पड़ गई है, या तो वाटरमेलन, या तो छाछ, या तो मैंगो शेक, या तो बनाना शेक। ये दिन के 11:30 का टाइम है, नाश्ते के बाद का और लंच के पहले का, तो ये टाइम पर हम लोग कुछ ना कुछ आजकल ले रहे हैं गर्मियों में। ये देखिए हमारा बनाना शेक मिल्क शेक एकदम रेडी है, और चॉकलेट का फ्लेवर आ जाता है, और चॉकलेट सिरप में भी पहले से भी थोड़ी स्वीटनेस रहती है, तो कुछ और मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हनी भी मैंने बहुत थोड़ा ही डाला था। तो ये देखिए हमारा बनाना मिल्क शेक एकदम पीने के लिए तैयार है। अभी हम लोगों का हो गया है लंच प्रॉपर, एकदम दाल चावल लौकी की सब्जी और रोटी बना था, हम लोग ने खा लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने कांदा अच्छे से चॉप करके रख लिया है, और बनाने जा रही हूँ मैं कांदे पकौड़े, और चटनी की तैयारी हो गई है। और ये देखिए भजिया में मैंने हर एक चीज़ डाल दिया है, मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और धनिया का पत्ता, और थोड़ा सा लेमन जूस, ये सब डाल के मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में हमारे गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, और हमारा ये चाय भी साथ में रेडी है। वाओ, इवनिंग में चाय और पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। और चटनी मेरी बिना धनिया की है, टमाटर की, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, कलर नहीं आया है, बहुत अच्छा चटनी बन के रेडी है। और ये हमारा पकौड़ा भी फर्स्ट लॉट निकल चुका है, और चाय भी मैंने देखिए सबके लिए छान दिया है। वाओ, चाय और पकौड़े खाएंगे अभी हम लोग। देखिए हमारा चाय नाश्ता तैयार है इवनिंग का।
बहुत बढ़िया, इट इज़ ऑसम, मज़ा आ गया। कांदा वाला बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा यू शुड ट्राई। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। और शाम को हमने खा लिए हैं एकदम चाय पकौड़े, कोई बात नहीं, थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे आज। लेकिन ये मैंने देखा आज दोपहर में थोड़ी देर एकदम लाइट वाइट गई थी तो एकदम शांत सब लोग, एकदम लॉकडाउन का भी पता चल गया है थोड़ा सा कि अभी महाराष्ट्र में 15 दिन का पूरा लॉकडाउन है। तो और कोरोना का न्यूज़ देख देख के सब लोग थोड़ा सा सैड हो गए थे, लेकिन जो अपना ट्रेडिशनल नाश्ता है पकोड़े और हलवा और ये सब जो चार्ज करता है ना इंसान को, पापा मम्मी सब लोग एकदम खुश हो गए पकोड़ा खा के। तो ये कितना भी आप नए नए नाश्ते ट्राई कर लो, लेकिन पकोड़े और हलवे ये सब जो अपने ट्रेडिशनल नाश्ते हैं ना, इसकी बात ही कुछ और है। तो हम लोग एकदम चार्ज अप हो चुके हैं, थोड़ा सा सब हैप्पी हैप्पी हो गए हैं अभी पकोड़े खा के। तो मेरा अभी हम लोग का ये नीचे गार्डन जाना भी बंद हो गया है ड्यू टू कोविड। तो नया हम लोग ने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे कोई भी जुम्बा वर्कआउट या तो एरोबिक्स वर्कआउट या तो नॉर्मल भी कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट, कोई भी आप लोग हाफ एन आवर का देखिए और उनको बस फॉलो करते जाइए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है और खूब अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है आपकी। तो मैंने और मिस्टर सिंह ने यही शुरू किया है, सुबह और शाम हाफ एन आवर ये करते है और 15 मिनट मेडिटेशन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी एक दो दिन ही हुआ है मुझे चालू करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आज का मैं अपना टॉपिक यही रखूँगी कि मेरा न्यू जो वर्कआउट रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि और भी लोग मोटिवेट होके ऐसा कुछ घर में अभी रहना है 15 दिन तो रहना ही है तो ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकें और आप लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकें मुझे देख कर। और ये लॉकडाउन जो 15 डेज़ का है, इसमें आप लोग क्या नया कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी शेयर करिए, कमेंट्स में लिखिए। और मिलती हूँ मैं आपको किसी नए और अच्छे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।